जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एमपी बीएड एमएड एडमिशंस के बारे में। दोस्तों बीए बीएड बीएससी बीएड बीपीएड एमपीएड फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में आपने क्या किया, आपका कॉलेज में नाम आ गया और कॉलेज में नाम आने के बाद में आपने अपनी फीस है जो कि सबमिट कर दी। ठीक है, आपने अगर फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया होगा तो आपने जो फीस सबमिट की होगी वो 32,000 और जो SC ST के होंगे उन्होंने 5,000। सेकेंड राउंड में जब स्टार्टिंग में एडमिशन लिया होगा तो अपनी फीस है घटा करके गवर्नमेंट ने 50% कर दी थी तो 16,000 से लेकर 20,000 तक भरी होगी और जो SC ST के हैं उन्होंने 5,000 ही भरी होगी। लेकिन जो थर्ड राउंड के स्टूडेंट हैं जो फीस भरेंगे उसमें केवल और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 तक ही कर दिया, चाहे आप SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो केवल 5,000 रुपये ही फीस भरनी है, बाकी की फीस आपको कॉलेज में भरनी होगी। यानी कि हमारी जो एडमिशन फीस है वो एडमिशन फीस भरने के बाद में अब हमें क्या करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने अपनी एडमिशन फीस को सबमिट कर दिया है, कम्प्लीटली आपने एडमिशन ले लिया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट कर दिया है, तो इसका मतलब है आपका एडमिशन कम्प्लीट हो चुका है। अब जब एडमिशन कम्प्लीट हो जाएगा तो इसके बाद में हमें अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज में जा करके सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, और इसकी एक लास्ट डेट भी रखी गई है जो कि 10 जुलाई रखी गई है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अनाउंस किया गया है इसका 12 जून को, जैसा कि देख पा रहे हैं। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी क्लियर मेंशन किया गया है कि फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड राउंड में जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं तो एडमिशन लेने वाले छात्रों को क्या करना है कि हेल्प सेंटर पर जाकर जहाँ से भी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं उन हेल्प सेंटर पर जाकर के आपको अपने डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट को वेरीफिकेशन फिर से करवाना पड़ेगा। फीस सबमिट करने के बाद में अपने मूल दस्तावेजों का पुनः सत्यापन करवाना होगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। यानी कि एक तो आपने एडमिशन लेने से पहले जब रजिस्ट्रेशन चॉइस में किया था तब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए होंगे, और एक बार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है जब हम अपनी एडमिशन फीस को सबमिट कर देते हैं। तो एडमिशन फीस अगर आपने सबमिट कर दिया है तो एडमिशन फीस सबमिट करने के बाद में आपको 10 जुलाई से पहले पहले आपको अपने हेल्प सेंटर पर जाकर के आपको अपने पुनः दस्तावेज मूल दस्तावेजों को सत्यापन करवाना होगा। साथ ही आपको अपनी TC भी जमा करनी होगी। ठीक है, TC आपकी कॉलेज में जमा होगी जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज में। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने पास संभाल कर रखना, TC भी, और साथ ही आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो भी डॉक्यूमेंट यूज किए थे उन सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास संभाल कर रखना और 10 जुलाई से पहले पहले वेरिफिकेशन वगैरह सारा काम कंप्लीट करवा लेना। अन्यथा क्या होगा, फिर आपका जो एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपकी पूरी साल बर्बाद हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सभी के साथ, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आपकी जो बाकी की फीस है, ठीक है, अभी आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि 5,000 रुपये या जो भी आपने फीस सबमिट की है और लेकिन कॉलेज की फीस 70,000 80,000 90,000 है, तो बाकी की फीस कब जमा होगी? वो बाकी की फीस हमारी मैं बताऊँ आपको कि कब जमा होने वाली है वो आपको कॉलेज से ही पता चलेगा, क्योंकि आपने एडमिशन फीस तो सबमिट कर दी, अब कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो फीस कब लेते हैं। ठीक है, तो ये प्राइवेट कॉलेज हैं, फीस कभी भी ले सकते हैं, इसलिए आपको कॉलेज से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, कॉलेज से ही आपको पता चलेगा कि आपकी जो फीस है वो कब जमा होगी। तो सारी जानकारी अच्छे समझ में आ गई होगी आपको, मेरे को शेयर करना है सभी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।